بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. जब मुशरिक मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मौत के वक्त अगर कोई तौबा करता है या मुशरिक और काफिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और अभी सकरात की मुसीबत नहीं आई है और गरगरा नहीं बोला है, तो ऐसी सूरत में उसकी तौबा कबूल होगी, इस्लाम कबूल होगा और अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। हज़रत सईद बिन मुसैब अपने वालिद हसन से रिवायत करते हैं, इनके वालिद का नाम हसन था, इन्होंने अपना नाम नहीं बदला था, इनसे मुतालबा किया गया था नाम बदलने के लिए तो नहीं बदले थे, तो हुजूनत और एक गम की सी कैफियत सारी औलाद पर थी। हसन ने अपने बेटे को बताया कि जब अबू तालिब की वफात करीब आई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए, देखा कि अबू जहल बिन हेशाम और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया बिन मुगीरा बैठे हुए हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा, ऐ चचा, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, इस कलिमा के जरिए मैं अल्लाह के पास आपके लिए क़यामत के दिन गवाही दूंगा और शहादत दूंगा। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने कहा, ऐ अबू तालिब, आप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब से फिर जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर अपनी बात पेश करते रहे और वो दोनों बराबर अपनी बात दोहराते रहे, यहाँ तक कि आखिर में अबू तालिब ने कहा कि वो अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर मर रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा जब तक मुझे रोक ना दिया जाए। इस पर यह आयत उतरी, मा काना लिन्नबी। इस आयत में कुफार व मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार की ममानियत कर दी गई। अबू तालिब के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े एहसानात थे, इन्होंने अपने बच्चों से ज़्यादा नबी करीम को पाला, परवरिश की और काफिरों की ईज़ा रसानी से आपकी हिफाजत की और आपको बचाते रहे। इसलिए आपने मोहब्बत की वजह से ये फरमाया कि खैर, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा, और आपने उनके लिए दुआ शुरू की। जब सूरह तौबा की आयत मा काना लिन्नबी ये आयत उतरी कि पैगंबर और मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है कि मुशरिकों के लिए दुआ करें, उस वक्त आप रुक गए। हदीस से ये बात साबित हुई कि मरते वक्त भी अगर मुशरिक शिर्क से तौबा कर ले तो उसका ईमान सही होगा। बाप का यही मतलब है, मगर ये तौबा सकरात से पहले होनी चाहिए। सकरात की तौबा कबूल नहीं होती, जैसा कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, फलम यकु यनफउहुम ईमानुहुम लम्मा रऊ बासना। ये सूरह गाफिर की आयत नंबर 85 है कि उनके ईमान ने फायदा नहीं दिया जब उन्होंने हमारे अज़ाब को देखा। बाबुल जरीदति अलल क़ब्री, कब्र पर खजूर की शाख गाड़ना। बुरैदा असलमी ने वसीयत की थी कि इनकी कब्र पर दो शाखें लगा दी जाएं, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की कब्र पर एक खेमा लगा हुआ देखा तो कहने लगे, अय गुलाम, इसे उखाड़ दे, अब इन पर इनका अमल साया करेगा।
और खारजा बिन जैद ने कहा कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के जमाना में मैं जवान था और छलांग लगाने में सबसे ज्यादा समझा जाता। जो उस्मान बिन मजून की कब्र पर छलांग लगाकर उसको पार कर जाता और कूद जाता। और उस्मान बिन हकीम ने बयान किया, खारजा बिन जैद ने मेरा हाथ पकड़कर एक कब्र पर मुझको बिठाया और अपने चचा यजीद बिन साबित से रिवायत किया कि कब्र पर बैठना उसको मना है जो पेशाब या पाखाना के लिए उस पर बैठे। और नाफे ने बयान किया कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कब्रों पर बैठा करते थे। तो यहाँ ये हजरत उस्मान बिन मजून की कब्र को जो कूद जाता तो उसको ज्यादा कूदने वाला या एक ही ताकतवर तसव्वुर किया जाता था। यहाँ जो रिवायत है वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे, आपने कहा इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी चीज की वजह से नहीं, इनमें से एक अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा यह चुगली किया करता था। फिर आपने एक ताजी खजूर की शाख ली, उसको तोड़ के दो टुकड़ा किया, फिर हर एक पर एक एक शाख गाड़ दिया। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आपने ये क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने कहा शायद उस वक्त तक के लिए इन पर अजाब कुछ हल्का हो जाए जब तक ये खुश्क ना हो और तर रहे। यहां देखिए कब्र पर खजूर की शाख गाड़ देना ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। आपके बाद किसी ने भी किसी कब्र पर खजूर की शाख या कोई भी शाख नहीं गाड़ी है, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि इनको अजाब हो रहा है इसलिए आपने ऐसा किया। अब यहाँ पर बुरैदा असलमी, तो ये इनकी अपनी राय है और ये इनका अपना इज्तिहाद है कि इनकी कब्र पर दो शाखें लगा दी जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को ये हुक्म नहीं दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र पर खजूर की डालियां लगा दी थी। बास ने यह समझा कि यह मसनून है, बास कहते हैं कि यह नबी अकरम का खासा था और किसी को डालियां लगाने में कोई फायदा नहीं। चुनांच इमाम बुखारी इब्न उमर का असर इसी बात को साबित करने के लिए लाए। इब्न उमर और बुरैदा के असर को इब्ने साद ने मौसूलन रिवायत किया है, यानी इब्ने साद तबकात इब्ने साद में। खारजा बिन जैद के असर को इमाम बुखारी ने तारीख सगीर में मौसूलन रिवायत किया है। इस असर और इसके बाद के असर को बयान करने से इमाम बुखारी का मकसद ये है कि कब्र वाले को उसके अमल ही फायदा देते हैं। ऊंची चीज लगाना जैसे शाखें वगैरह या कब्र की इमारत ऊंची बनाना या कब्र पर बैठना जाहिर में कोई फायदा या नुकसान देने वाली नहीं है। ये खारजा बिन जैद अहले मदीना के सात फुकहा में से हैं। इन्होंने अपने चचा यजीद बिन साबित से नकल किया कि कब्र पर बैठना उसको मकरूह है जो उस पर पाखाना या पेशाब करे। हाफिज इब्ने हजर फरमाते हैं इब्ने रोशेद ने कहा कि इमाम बुखारी के तसरुफ से यही जाहिर है कि शाखों के गाड़ने का अमल उन्हीं दोनों कब्रों के साथ खास था, इसलिए इमाम बुखारी इसे जिक्र करके हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल लाए हैं कि उस मरने वाले का अमल ही उसको उसको साया कर सकेगा, यानी जो मरा है वो अपना अमल लेकर कब्र में उतरता है उसका अमल जन्नत में ले जाएगा या जहन्नम में ले जाएगा, कब्र के ऊपर से कुछ करना फायदा नहीं देगा। कब्र को शानदार बनाना, कब्र को लीप देना,
पोत देना, खुशबू लगाना, गुलाब के फूल से उड़ा देना, माला डाल देना, कुछ भी करना, इससे फायदा नहीं होगा। जिनकी कब्र पर खेमा देखा गया था वो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने यह खेमा गिरा दिया था। कब्रों पर बैठने के बारे में जुम्हूर का कौल यही है कि नाजायज है। और अम्र बिन हफ्सम की रिवायत में है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र पर टेक लगाए हुए देखा। आपने कहा इस कब्र वाले को तकलीफ ना दो। नाज़रीन, मौजूदा जमाने में भी बहुत सारे लोगों को देखा गया है और बहुत सी कब्रस्तानों में मैंने पेड़ देखे हैं, कब्रों पर लगाए रहते हैं। कभी कोई मिल जाए और उनसे बात की जाए तो फिर वो सुनने के लिए और मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। बाब व मुइसतिल मुहद्दिस इंदल कब्र व कुउद असहाबिही हौला। कब्र के पास आलिम का बैठना और लोगों को नसीहत करना और जो वहाँ जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं उनका इमाम के पास या आलिम के पास जा कर के बैठ जाना और उसकी बातों को सुनना। यखरुजून मिनल अजदास, अजदास से मुराद कब्रें हैं, जदस की ये जमा है। बोसरत के माना उठाए जाने के हैं। अरबों के कौल बासर तो हौसी इसी माना में आता है, मैंने हौस का निचला हिस्सा ऊपर कर दिया। इमाम बुखारी ने अपनी आदत के मुताबिक यहां भी कई एक कुरानी अल्फाज की तशरीह कर दी है। कब्रों की मुनासबत से अजदास के माना और बासरत के माना बयान किए हैं। आयत में है कि कब्रों से इस तरह लोग निकल कर भागेंगे जैसे थानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मुस्तहिद मुतलक इमाम बुखारी ने यह साबित फरमाया कि कब्रस्तान में अगर फुर्सत नजर आए तो इमाम आलिम मुहद्दिस वहां लोगों को आखिरत याद दिलाने और सवाब व अजाब कब्र पर मुत्तला करने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में वाज सुनाए, जैसा कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की और उनको दीन की बातें बताई। मगर किस कदर अफसोस की बात है कि बेशतर लोग जो कब्रिस्तान में जाते हैं वो महज तफरीहन वहां वक्त गुजार देते हैं और बहुत से हुक्का और सिगरेट नोशी में मसरूफ रहते हैं और बहुत से मिट्टी लगने तक इधर उधर मटर गश्त करते रहते हैं। मिट्टी लगने का मतलब है मिट्टी डालना। इसलिए ऐसे हजरात को सोचना चाहिए कि आखिर उनको भी इसी जगह आना है और कब्र में दाखिल होना है। किसी न किसी दिन तो कब्रों को याद कर लिया करें या कब्रस्तान में जाकर तो मौत और आखिरत की याद से अपने दिलों को पिघला लिया करें या पिघलाया करें। अल्लाह ताला सबको नेक समझ अता करें। अहले बिदात ने बजाय मसनून तरीका के कब्रस्तानों में नित नए तरीके ईजाद कर लिए हैं और अब तो नई बिदात ये निकाली है कि दफन करने के बाद कब्र पर अजान देते हैं। अल्लाह जाने अहले बिदात को ऐसी नई नई बिदात कहां से सूझती हैं। देखिए, मुर्दे को दफन करने के बाद, दफन करने से पहले जैसे ही उसको मईत को कब्र में उतारा जाए तो जो इमाम है वो इमाम एक किनारे खड़ा हो जाए और लोग आकर के उसके पास बैठ जाए और वो कम से कम 5 मिनट 6 मिनट तक तकरीर करे। हसरत बरा इब्न आसिफ की रिवायत मशहूर है कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें बताई हैं कि जब बंदे का आखिरी वक्त आता है तो कैसा फरिश्ता आता है और उसके बाद उसको उसकी रूह निकालते हैं। अगर इसको बयान कर सकें तो इसको बयान करें या कोई भी हदीस और आयत बयान करके फिर जो माहौल है
जो मुनासिबत है उसके एतबार से लोगों को नसीहत करें। ये नसीहत बहुत अच्छा असर देती है और लोगों के दिल पिघल जाते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मैंने इस पर बहुत बार अमल किया है और लोग काफ़ी मुतासिर हुए हैं और बहुत बार मुझे मौका नहीं मिला। और मैंने देखा कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई हंस रहा है और बहुत सारी बातें करते हैं। तो बहरहाल आलिमों को चाहिए कि वक्त से फ़ायदा उठाएं। हजरत अली रिवायत करते हैं, कहते हैं कि बकीउल गरकत में हम एक जनाजे में थे, इतने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बैठ गए, हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। आपके पास एक छड़ी थी जिसे आप जमीन कुरेदने लगे। ये कुरेदने की जो हालत या सिफत होती है, आमतौर से आदमी थोड़ा परेशान हाल होता है और ये कि उसके दिल में दिमाग में कोई दिक्कत होती है, कश्मकश होती है। फिर आपने कहा कि तुम में से कोई ऐसा नहीं या कोई जान ऐसी नहीं जिसका ठिकाना जन्नत और दोजख में लिखा ना गया हो, और ये भी कि वो नेकबख्त होगी या बदबख्त। ठिकाना कहाँ है, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, अच्छा होगा या बुरा होगा, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इस पर एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, फिर क्यों ना हम अपनी तकदीर पर भरोसा कर ले और अमल छोड़ दे, क्योंकि जिसका नाम नेक दफ्तर में लिखा है वो जरूर नेक काम की तरफ रुजू करेगा और नेक काम की उसे तौफीक दी जाएगी, और जिसका नाम बदबख्तों में है वो बदी करेगा और बुराई का काम उसके लिए आसान कर दिया जाएगा। नबी अकरम ने कहा, बात यह है कि जिनका नाम नेक बख्तों में है उनको अच्छे काम करने में ही आसानी मालूम होती है, ये आसान ये काम करने की उसे तौफीक दे दी जाती है, और बदबख्तों को बुरे कामों में आसानी नजर आती है और ये काम उसके लिए आसान कर दिया जाता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, जिसने अल्लाह की राह में दिया और परहेजगारी अख्तियार की और अच्छे दीन को सच्चा माना, उसको हम आसानी के घर, ये आसानी का जो घर है यानी बहिश्त में पहुंचने की तौफीक देंगे। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस की शरह वल्लैल की तफसीर में आएगी, और यह हदीस तकदीर के इस बात में एक असल अजीम है। आपके फरमान का मतलब यह है कि अमल करना और मेहनत उठाना जरूरी है, यानी मेहनत करना जरूरी है। जैसे हकीम कहता है कि दवा खाए जाओ, हालांकि शिफा देना अल्लाह का काम है। हकीम ने, डॉक्टर ने कहा, जनाब दवा खाओ, दवा खाता है मरीज लेकिन असल शिफा अल्लाह देता है। तो यहाँ जो बात बतानी मकसूद ये है वो ये कि कब्रिस्तान जाना और मुहद्दिस का, इमाम का, आलिम का लोगों को नसीहत करना और दीन की बातें बताना और उस वक्त से फायदा उठाना चाहिए। बाबू मजा फिकातिल नफ्स, जो शख्स खुदकुशी कर ले इसका बयान। खुदकुशी करना गुनाह कबीरा है, लेकिन खुदकुशी करने से कोई इस्लाम से खारिज नहीं होता। अलबत्ता अल्लामा नौवी ने मुस्लिम की शरह में किताबुल ईमान में लिखा है कि अगर कोई मुसलमान खुदकुशी को हलाल समझता है तो फिर वो इस्लाम से खारिज है, और उन्होंने कहा है अल मुस्तहिल्लुला, उसे हलाल समझने वाला तो फिर वो इस्लाम से खारिज है। लेकिन जज्बात से मغلوب होकर
परेशानी से मغلوب होकर, इश्क में नाकाम होकर, इलेक्शन में नाकाम होकर, तिजारत के दिवालिया होने की वजह से या और किसी बड़ी दिक्कत की वजह से, बीमारी की शदीद होने की वजह से वो खुदकुशी कर लेता है, तो ऐसी सूरत में वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा, पर उसने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है। खुदकुशी करना गुनाह कबीरा है। खुदकुशी करने वाले को गुस्ल देंगे, नहलाएंगे, कफन देंगे, उसका जनाजा पढ़ेंगे, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, मुसलमानों के कब्रस्तान में उसे दफन करेंगे और जनाजा पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सी जगहों पर लोग बहुत ज़्यादा शक में पड़े रहते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। इसने हराम मौत अख्तियार कर ली और अपने गले लगा लिया, तो हराम मौत की वजह से जो समाज में ये ताबीर चल रही है, वो कभी पूछते हैं आलिमों से, कभी नहीं पूछते। मैंने तो बाज मुर्दों के बारे में सुना है कि उनको नदी के किनारे या किसी बाग में ले जा करके फेंक के चले आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन साबित इब्ने ज़हाक अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल साबित बिन ज़हाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने कहा, जो शख्स इस्लाम के सेवा किसी और दीन पर होने की झूठी कसम खाए तो वो वैसा ही हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ईसाई हो गया, मैं यहूदी हो गया, मैं नसरानी हो गया, इस तरह की बात कहे तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि उसने अपने लिए कहा है। और वो जो शख्स अपने को धारदार चीज से ज़बह कर ले, उसे जहन्नम में उसी हथियार से अजाब होता रहेगा। काफिले नफ्स का जनाजा पढ़ा जाएगा। आम मुसलमान की तजहीज और तकफीन के लिए जो चीजें मतलूब होती हैं, उसके लिए भी की जाएंगी। जनाजा पढ़ेंगे और मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन करेंगे और उसके लिए इस्तेफार करेंगे और करते रहेंगे। हसन रिवायत करते हैं हसन बसरी कि हमसे जुंदुब बिन अब्दुल्ला बजली ने बसरा की मस्जिद में बयान किया, न हम उस हदीस को भूले हैं और न ये डर है कि जुंदुब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत बात की निस्बत की होगी और झूठ बोले होंगे। रसूल अकरम ने कहा, एक शख्स को घाव लगा, उसने जख्म की तकलीफ की वजह से खुद को कत्ल कर लिया और मार डाला। इस पर अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे ने जान निकालने में जल्दी की, उसकी सजा में मैं जन्नत हराम करता हूं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुद अपना गला घूंट कर जान दे देता है, वो जहन्नम में अपना गला घूंटता रहेगा, और जो बर्छे या तीर से अपने तई मारे, वो दोजख में भी इस तरह अपने आप को मारता रहेगा। ये जो हदीसें हैं, ये तौबीख के लिए हैं, जज्र के लिए हैं और डांटने के लिए हैं। और जिस आदमी की नेकियां ज्यादा होंगी पर उसने ये गलत काम कर लिया, तो कभी ना कभी उसकी बख्शिश हो जाएगी और अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। बाबू मायूक रहो मिन सलात अल मुनाफिकीन वल इस्तिग़फार लिल मुशिकीन, मुनाफिक पर जनाजा पढ़ना मना और मुशरिकों के लिए मगफरत तलब करना हराम। बुखारी में बहुत से मकामात पर युकरह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कई जगह पर तो हराम के माना में है और बाज मकामात पर जो फुकहा ने करीहा इस्तेमाल किया है उस इस्तिलाही माना में है, यानी वो हुरमत के माना में नहीं है, नापसंदीदगी के माना में है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उमर बिन खत्ताब से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं, जब अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल का इंतकाल हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाजा पढ़ने के लिए तलब किया गया।
जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो मैं कूद करके बढ़ा और मैंने कहा, यानी हजरत उमर, अल्लाह के रसूल, इब्ने उबई का आप जनाजा पढ़ रहे हैं, उसने फुला फुला दिन ऐसे ऐसे कहा था। मैं उसकी बातों को शुमार करने लगा और गिनाने लगा कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था और ये कहा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने कहा उमर पीछे हो जाओ, हमसे पीछे हो जाओ। जब मैंने इसरार किया तो आपने कहा मुझे अख्तियार दिया गया है और मैंने अख्तियार किया है, अगर मैं जानता कि 70 बार से भी ज्यादा इस्तिग़फ़ार करूंगा तो इसकी बख्शिश हो जाएगी, तो मैं 70 बार से ज्यादा इनके लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जनाजा पढ़ा, फिर आप पलटे, ज्यादा नहीं ठहरे थे कि सूरह तौबा की 2 आयतें उतरी और उसका माना यह है कि किसी मुनाफिक के मरने पर उसकी नमाज़े जनाजा हरगिज ना पढ़िए, वह फासिकून तक, और उसकी कब्र पर मत खड़े हो। उन लोगों ने अल्लाह और इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को नहीं माना और मरे भी तो नाफरमान होकर के और फासिक होकर के। फासिक नाफरमान को कहते हैं। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने इस उस दिन की दिलेरी पर ताज्जुब होता है, कैसे मैंने इतनी हिम्मत की और ये बातें मैंने कह डाली, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल हर मसलहत को ज्यादा जानते हैं और ज्यादा समझते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई मदीना का मशहूर तरीन मुनाफिक था, जो उम्र भर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता रहा और उसने हर नाजुक मौका पर मुसलमानों को और इस्लाम को धोखा दिया, मगर नबी अकरम रहमतुल्लिल आलमीन थे। इंतकाल के वक्त उसके लड़के की दरख्वास्त पर जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो गए और वो उनका नाम अब्दुल्ला था, इनका भी नाम अब्दुल्ला था, ये नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था और ये बड़े मुखलिस और बड़े सच्चे और बड़े प्यारे मुसलमान थे। आप उसकी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो गए, हजरत उमर ने मुखालफत की और याद दिलाया कि फुला फुला मौका पर उसने ऐसे ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ये कहा था और ये कहा था, मगर नबी अकरम ने अपनी फितरी महब्बत और शफकत की बिना पर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी। इसके बाद वजाहत के साथ इरशादे बारी नाजिल हुआ, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, इसमें कह दिया गया किसी मुनाफिक का जनाजा ना पढ़िए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हजरत उमर रसूलल्लाह वनो फरमाया करते थे कि काश मैं उस दिन नबी अकरम के सामने ऐसी जुरात ना करता। बहरहाल अल्लाह पाक ने हजरत उमर की राय की मुआफकत की और मुनाफिकीन और मुशरिकीन के बारे में खुले लफ्जों में जनाजा पढ़ने से रोक दिया गया। बाबू सनाइना से ललमईद, लोगों का मुर्दे की तारीफ करना, लोगों का मुर्दे की तारीफ करना। अब्दुल अजीज बिन सोहेब कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, वो कह रहे थे कि एक जनाजा गुजरा तो लोगों ने उसके बारे में अच्छी बात कही, तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुजरा, लोगों ने उसकी बुराई की, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाजिब हो गया। उमर बिन खत्ताब ने कहा क्या वाजिब हो गया? आपने कहा इनकी तुम लोगों ने तारीफ की, इनकी तुम लोगों ने तारीफ की
तो उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और इनकी तुम लोगों ने बुराई की तो इसके लिए जहन्नम वाजिब हो गया। तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। और दूसरी रिवायत अबुल अस्वद की है। अबुल अस्वद कहते हैं कि मैं मदीना आया, उन दिनों वहां एक बीमारी फैल रही थी। मैं हजरत उमर बिन खत्ताब की खिदमत में था कि एक जनाजा सामने से गुजरा। लोग उस मैयत की तारीफ करने लगे तो उमर ने कहा कि वाजिब हो गई। फिर एक और जनाजा गुजरा, लोग उसकी भी तारीफ करने लगे। इस मर्तबा भी आपने ऐसा ही फरमाया कि वाजिब हो गई। फिर तीसरा जनाजा निकला, लोग उसकी बुराई करने लगे। इस मर्तबा उमर ने कहा वाजिब हो गई। अबुल अस्वद दौली ने कहा, मैंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन क्या चीज वाजिब हो गई? उन्होंने कहा कि मैंने इस वक्त वही कहा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस मुसलमान की अच्छाई पर चार शख्स गवाही दे दे, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हमने कहा अगर तीन गवाही दे तो? आपने कहा तीन पर भी। फिर हमने का पूछा और अगर दो मुसलमान गवाही दे तो? आपने कहा दो पर भी। हमने ये नहीं कहा और ये नहीं पूछा कि अगर एक मुसलमान गवाही दे तो क्या ये फजीलत हासिल होगी। बाप का मकसद ये है कि मरने वालों की नेकियों का जिक्र खैर करना और उसे नेक लफ्जों से याद करना बेहतर है। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं कि मुस्नद हाकिम में नजर बिन अनस अपने बाप अनस से रिवायत करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक जनाजा वहां से गुजरा। आपने पूछा यह किसका जनाजा है? लोगों ने कहा फुला बिन फुला का है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह की इताअत करता है, उसी में कोशां रहता है, काफी मेहनत करता है, और जिस पर बुराई की गई उसका जिक्र इसके उल्टे किया गया। पहले खैर और शर मुबहम बयान किया गया था, यहां पर उनकी तफसील बयान की गई। लोगों ने कहा यह शख्स बहुत अच्छा पाक दामन मुसलमान था और जो बुरा आदमी था उसके बारे में कहा गया ये बड़ा खराब आदमी था, बड़ा बदअखलाक था। खुलासा ये कि मरने वाले के मुतालिक अहले ईमान नेक लोगों की शहादत जिस तौर भी हो वो बड़ा वजन रखती है। लफ्ज अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द में इसी हकीकत की तरफ इशारा है। खुद कुरान मजीद में भी यह मजमून इन लफ्जों में आया है। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया है, उम्मत वसत मोतदिल उम्मत, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। शहादत की एक सूरत यह भी है जो यहां हदीस में मजकूर है। और उम्मत जो गवाही देगी वो कुरान की रोशनी में गवाही देगी, रसूल अकरम के फरमान के मुताबिक गवाही देगी। उम्मत के पास गैब का इल्म नहीं है। इस आयत से भी लोग इस्तिदलाल करते हैं कि रसूल के बारे में जहां आयत आई है कि रसूल गवाही देंगे तो कहते हैं बगैर देखे कैसे देंगे। इसका मतलब यह है कि आप आलिमुल गैब हैं, ना समझ है। रसूल ना आलिमुल गैब नहीं है, आपको बातें बताई जाती हैं। अगर शहादत की बिना पर रसूल को आलिमुल गैब कहा जा सकता है तो आम अवाम उम्मत मुहम्मदिया सारी की सारी आलिमुल गैब ठहरेगी, क्योंकि वो भी गवाही देगी। बाबू माजा फी अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब क़ब्र का बयान। आदमी जब मर जाता है तो वहीं से क़यामत शुरू हो जाती है। इज़मत अल इंसान फ़क़त क़ामत क़यामत हो, आदमी जब मर जाता है तो वहीं से उसकी क़यामत और बरज़ख़ शुरू हो जाती है।
और अल्लाह का ये फरमान वलव तरा ऐसी सालिमू नफी गमरातिल मौत वल मलाई का तो बासितु अईदीहिम अखरिजु अनफुसकुम अल्योम तुज़ौन अज़ाब अलहून। और ऐ पैगंबर, काश तुम उस वक्त को देखते जब जालिम मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होंगे और कहेंगे निकाल अपनी जान, आज तुम्हारी सजा में तुमको रुसवाई का अजाब चखना है और ये कब्र का अजाब है। इमाम बुखारी ने कहा अलहूनु हुवल हवान, हून ये हवान के माना में है यानी जिल्लत और रुसवाई। और जब हौन आता है तो हौन के माने रिफ्क के हैं यानी नरमी और मुलाअमत। अल्लाह ने सूरे तौबा में फरमाया है सनुअद्दिबुहुम मर्रतैन थुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, हम उनको दोबारा अज़ाब देंगे यानी दुनिया में भी और कब्र में भी, फिर बड़े अज़ाब में लौटाए जाएंगे। और सूरे मोमिन में फरमाया वहा कब्याल फिरौन सूल अज़ाब अन्नार युरद्दून अलैहा गुदुवन वअशिया ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب। फिरौन वालों को बुरे अजाब ने घेर लिया, सुबह और शाम आग के सामने लाए जाते हैं, मुराद है वही जहन्नम। और क़यामत के दिन तो फिरौन वालों के लिए कहा जाएगा इनको सख्त अजाब में ले जाओ और सख्त अजाब में डाल दो। इमाम बुखारी ने इन आयतों से कब्र का अजाब साबित किया है। इसके सवा और आयतें भी हैं युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिलकौलि थाबित, तो यहाँ इस आयत में जो तस्बीत की बात कही गई है, कौले साबित की बात कही गई है, ये कब्र में होगा। बरा इब्ने आसिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जब मोमिन अपनी कब्र में बिठाया जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं, वो शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अल्लाह के इस फरमान की तफसीर है कि अल्लाह ईमान वालों को दुनिया की जिंदगी और आखिरत में ठीक बात यानी तौहीद पर मजबूत रखता है, साबित कदम रखता है। और दूसरी रिवायत भी आई है शोबा से, इसमें है युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू, तो अल्लाह मोमिनों को साबित कदमी बख्शता है या आप यूं कहें सबात कदमी बख्शता है। नज़लत फी अज़ाबिल कब्री, ये आयत अज़ाब कब्र के सिलसिले में उतरी है। इब्ने उमर रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मौका पर कुएं वालों को कलीब वालों को झांक के देखा, वहां गए खड़े हुए और उसके बाद में कहा तुम्हारे वालिक ने जो तुमसे वादा किया था उसे तुम लोगों ने पा लिया। लोगों ने अर्ज किया कि आप मुर्दों को खिताब करते हैं, आपने कहा तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के काफिरों को मुखातब करके कहा था मैं जो इनसे कहता था अब इनको मालूम हुआ होगा कि वो सच है। और अल्लाह ने सूरह रूम में फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ पैगंबर तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि एक यहूदी औरत इनके पास आई, उसने कब्र के अजाब का तस्करा छेड़ दिया और कहा अल्लाह तुमको अजाब कब्र से बचाए। इस पर आयशा ने रसूल अकरम से अजाब कब्र के बारे में पूछा और दरियाफ्त किया, आपने इसका जवाब दिया कि हाँ अजाब कब्र बरहक है। हजरत आयशा ने फरमाया कि फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा
कि आपने कोई नमाज पढ़ी हो और उसमें अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह ना मांगी हो, हमेशा अजाब कब्र से पनाह मांगते थे। उरवा बिन जुबैर रिवायत करते हैं कि इन्होंने हजरत असमा बिनते अबी बकर से सुना, वो कहती थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खुतबा दिया, आपने कब्र के इम्तिहान का जिक्र किया, जहां इंसान जांचा जाता है, परखा जाता है, यानी उसका इम्तिहान होता है। यहाँ जो लफ्ज आया है फ़ज़क़रा फितनतुल कब्री, फितनतुल कब्र हुआ वल इख्तिबार वल इम्तिहान, कब्र का इम्तिहान और वही तीनों सवाल। जब नबी अकरम इसका जिक्र कर रहे थे तो मुसलमानों की हिचकियां बढ़ गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के इम्तिहान के बारे में इतने खूबसूरत और मौसर अंदाज में बयान किया कि सारे सहाबा रोने लगे और उनकी हिचकियां बढ़ गईं। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया कि जब मुर्दा अपनी कब्र में रख दिया जाता है और जनाजा में शरीक होने वाले लोग पलट जाते हैं और वहां से रुखसत हो जाते हैं, तो वो उनके जूतों की आवाज को सुनता है, जूतों की खड़खड़ाहट को सुनता है। फिर दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। वो उसे बिठाकर पूछते हैं कि इस शख्स यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या अकीदा रखते थे? मोमिन कहेगा कि मैं गवाही देता था कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस जवाब पर उससे कहा जाएगा कि तू ये देख, अपना ठिकाना जहन्नम में, ये तुम्हारा ठिकाना था, लेकिन अल्लाह ने इसके बदला में तुम्हारे लिए जन्नत में ठिकाना दे दिया है। उस वक्त उसे जन्नत और जहन्नम दोनों के ठिकाने दिखाए जाएंगे। कतादा ने बयान किया कि उसकी कब्र खूब कुशादा कर दी जाएगी। फिर कतादा ने अनस की हदीस बयान करनी शुरू की। उन्होंने अल रसूल अकरम ने फरमाया और मुनाफिक को काफिर से कहा जाएगा कि इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे? तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहा करते थे। फिर उससे कहा जाएगा, न तूने जानने की कोशिश की और न समझने वालों की राय पर चला और न उनकी पैरवी की। फिर उसे लोहे के गुर्जों से बड़े जोर से मारा जाएगा कि वो चीख उठेगा और उसकी चीख को जिन्नात और इंसान के अलावा तमाम मखलूक सुनेगी। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सारी हदीसें हैं कि अजाब कब्र बरहक है और कब्र में दाखिल होते ही आदमी का अजाब शुरू हो जाएगा या सवाब शुरू हो जाएगा। जो गुनहगार होगा उसके ऊपर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और जो नेक होगा उसके ऊपर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।